2 दिन के लिए रुक रहे हैं हम, पर मेरा मन है 1 महीने के लिए रुके यहाँ पर। अंदर अंदर दिए जलाओ, अंदर दिए जलाओ, कैंडल और ऐसे बुलाओ एंटीक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल क्रिया व्लॉग्स। सुबह सुबह का टाइम आज सच में हो रहा है, आज हम जल्दी उठ गए हैं, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा। रात को भी लेट थोड़ा सा सोए थे और सुबह जो हम उठ गए थे आई थिंक 7:30 बजे, और मैंने अभी टाइम नहीं देखा, पता नहीं कितने, 8:30 हो रहे होंगे अभी। और मैं बस जा रही हूँ नीचे रेडी होकर, बैग मेरा सेट है, रूम सब सेट है, कपड़े धोने के लिए मैंने रख दिया, आशा आंटी ले जाएंगी। और बस आज हम जा रहे हैं ट्रिप पर, अपने फर्स्ट डे है, 2-3 दिन लगा के आएंगे, मसूरी के लिए निकल रहे हैं और बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, फुल एंजॉय करने वाले दोस्तों। और ना हर बस आ गया, उस मोमेंट का इंतजार खत्म हुआ, ये डलने लगा है पराडा, जो फीलिंग ये लगा रही है, फीलिंग लगा रही है, ऐसी लग रही हूं मैं जस्ट मानक बन गई। जस्ट मानक तो बन गई, गाड़ी के अंदर बैठ जा, कोई तेरे को छोड़ के पराडा छीन के ले जाएगा तेरा। मेरे को नहीं छीन, कवर को अपने हाथ में रखना, ये बंद होगा नहीं तुमसे, सामान इतना टूट रखा है। हाँ हो गया, नहीं होएगा, नहीं होएगा, हो गया और नहीं होता, मैं करता हूँ, रुक जाओ, नहीं होएगा ऐसे, मैं करता हूँ, चल अंदर बैठ गाड़ी में। बहुत अच्छा लग रहा है, चल बैठ इधर, नूर से भी मिल लो, ओए एक सिप पियो सिर्फ। ब्लॉग व्लॉग तो बना लो, ब्लॉग व्लॉग तो बना लो, क्या पी रहा है? वोमिकाइन। कर ठुमक ठुमक, क्या था नीचे से ऊपर था, नीचे से ऊपर था ऐसे। चल चलो बस बस बस, कॉपीराइट आ जाएगा, जल्दी यहाँ से निकलो अंदर, बताओ दोस्तों को। हमारा पहाड़ी डांस पता कैसा होता है? हाँ। अभी कराता हूँ अंदर, देखो पहाड़ी डांस ऐसे ऐसे वाला होता है पहाड़ी। चल दोस्तों को बताओ कहाँ आई हो तुम, दोस्तों को बताओ कहाँ आई हो तुम। दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली, मेरा ना इतनी ठंड है कि बोलते बोलते ना गला सूख रहा है, गला सूख रहा है। अभी हीटर में से उठ के आई है, हीटर से उठ के आई हूँ। दोस्तों हम मसूरी पहुंच चुके हैं अपने कॉटेज में, ये है पूरा 3 रूम कॉटेज, उसके अंदर से जाती हुई स्टेयर्स भी है, इतना सुंदर कॉटेज है। तुम्हें अच्छा लगा कॉटेज? बहुत अच्छा लगा। चलो दिखाओ फिर, बहुत अच्छा लगा। एंट्री दिखाओ, एंट्री किधर से है? बाहर से ना सांस नहीं ली जा रही। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंड लग रही है तुम्हें, इसलिए करो बाहर से, जल्दी अंदर चलो, लोगों को दिखाओ, चलो शीशे में से आएंगे। तो ये कॉटेज इतना सुंदर है ना, ये पूरा हमने 2 दिन के लिए लिया है, ये कॉटेज पापा के फ्रेंड का है और उन्होंने बोला हमें कि आप जाके स्टे कर लेना। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहती हूँ पूरा ये कॉटेज है ना, ये सुनो दोस्तों, ये सारा जो कॉटेज है ये हमारा है, सुनो दोस्तों, 2 दिन के लिए। सुनो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बैठ के हम सुबह जो है चाय कॉफी पी सकते हैं, बहुत सुंदर चेयर्स लगी है, पूरा वाइट है, यहाँ से जाने का रास्ता है, ये पार्क है, इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, सुंदर लाइटिंग भाई। और ये है हमारे एंट्रेंस की एंट्री। चल हाँ। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करते हो दरवाजे से ऊपर देखो, इतना सुंदर जो है वास है, शैंडलियर है जिसमें, तो सुंदर लाइट जल रही है, यहाँ पे कीज रखने की जगह है एंटीक स्टाइल में, पता नहीं कैसे बोलता है, ये तो सुंदर मैट लगा हुआ है, इतना सुंदर जो ये मैट लगा हुआ है जो पूरा फोल्ड हुआ है, आप बैकग्राउंड में आ सकते हैं, जो भी आ रहा है पीछे से आ सकते हैं बैकग्राउंड में। हेलो ईशा के दोस्तों, ये मेरी दी है, पहली बार आया ब्लॉग में, तो हम इकट्ठे रूम डोर दे देते हैं, ठीक है। तो इतना सुंदर सा मैट है ना, आपको इसके घर में सबसे अच्छा क्या लगा? इसके घर में सबसे ईशा लगी मेरे को। अच्छा, ईशा ने अपने चरण डाले इस घर में। हाँ, सब इकट्ठे डाले। तो इस तरफ जो है मम्मी पापा का कमरा है और ये वॉशरूम है और इस तरफ जो है टेबल है, तो सुंदर सुंदर वासेस रेडी होने के लिए, रात को लाइट लूट बंद करो ना यहाँ पे। हाँ, अंदर दिए जलाओ, अंदर दिए जलाओ, कैंडल और ऐसे बुलाओ एंटीक, ऐसे ही जैसे ईशा जो दीवार खुले हुए थे ऐसे करके, ऐसे तेरे मुंह के आगे आ जाए। ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये वॉल कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर वॉल है, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लैंप है और मेन चीज जो है वो चल रही है अंदर, यहाँ पे किचन हमारा, डिनर हमने आते भैया से जो मैगी बनवाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे शेफ भी है, बहुत टेस्टी बेकरी, बहुत सुंदर खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मैगी खाई, मोंचो सूप पिया, मोंचो सूप नहीं मंचाओ सूप, मोंचो ठंड से मंचाओ कड़ गया ना, मोंचो हो गया। भैया से हम खाना बनवा रहे हैं, बारबेक्यू लग रहा है हमारा, उसके बाद दाल और पनीर बन रही है हमारे अंदर, तो भैया से पूछ के आते हैं, प्रिपरेशन दिखा देते मेरे रूम में, चलने दे,
ये भैया बना रहे हैं। भैया क्या क्या बना रहे हो? चिकन है और दाल है, चावल है। आप पहाड़ी हो? यस मैं पहाड़ी हूं। लोकल है मैं। मैं भी पहाड़ी हूं, उत्तराखंड से। ये भी उत्तराखंडी है, मंसूरी भी उत्तराखंडी है। पता चल जाता है ना थोड़ा वो हमारे। वो देखो मशरूम वगैरह रख दिए बारबेक्यू के लिए। बारबेक्यू के लिए मशरूम हो रहा है, ब्रोकली हो रही है, चिकन हो रहा है और वैसे डिनर के लिए दाल पनीर और रोटी चावल। चावल बना रहे हो ना भैया? यस मैम चावल हो गए। ठीक है जरूर बनाना भैया, बिहार नहीं है। सूप बहुत टेस्टी बनाया था भैया आपने। अच्छा तो इसके यहाँ से किचन से आते ही जो है यहाँ पर बैठने के लिए इतनी सुंदर जगह है ना। तो उस लॉबी से जैसे ही अंदर आए यहाँ पर बैठने के लिए इतनी सुंदर जगह है ना। मतलब इतना बड़ा सा काउच है, रंग बिरंगे सोफे हैं। रंग बिरंगे सोफे नहीं है, सोफा एक ही कलर का है, रंग बिरंगे कुशन है। देख के ना मैं चुंदिया गई हूँ, तो मैं उसी चुंदियाए हुए मोड पे चली गई हूँ। कुशन इतने प्यारे हैं, बाहर का व्यू इतना अच्छा है, मतलब जहाँ नजर डालो वहाँ मतलब रंगीनियत है और हरियाली है। यहाँ से हम बाहर जाएंगे अगर तो बहुत सुंदर ग्रीनरी है बाहर, पर ठंड बहुत है, मैं नहीं जा रहा बाहर। पर बाहर बहुत ठंड है, सुबह दिखा देना। हमने मैगी खाई थी और सूप पिया था, तो ये बहुत इतनी सुंदर है, मेरे को इतनी सुंदर लगी कि मैं यहाँ पर कल तैयार होके फोटो करवाने वाली थी। चल हो तो यहीं तैयार कर ला, चलो ऊपर चलो लेके। अब मेरी जितनी मोटी आंखों वाला मुझे एक और बंदा मिला है अपने परिवार में। अपनी भाषा में कुछ बोलना चाहेंगे आप? भैया अक्खा तो बहुत मोटी है ना, कुछ भाषा में बोलना चाहेंगे? टीटीपीपी वाली में उनिया जानते हैं उठते हाँ बैग जो सामान कर दे खलोते हैं जूसी खलोते। यहाँ से हम जैसे ही एंट्री लेंगे ऊपर इतनी सुंदर एंटीक स्टेयर्स हैं। हाँ देख के चढ़े, नहीं तो बुक दे जा पाएंगे। हाँ बुक दे जा सकते हैं। जा सकते हैं। इतने वाली पतलियाँ ने, हाँ इतने वाली मोटियाँ ने, मतलब चौड़ियाँ ने। चल चल इतो जान दिया, देख के चले ऊपर। ऊपर आते ही हमने अपना रूम जो है ऊपर वाला सेलेक्ट किया है। ऊपर आते ही लेफ्ट हैंड साइड वाला रूम हमारा है। पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखोगे इतना सुंदर मिरर है और शैंडलियर है इतना सुंदर सा। हाँ, हाथ ही लगाना उसको। अंदर आते ही हमारा रूम है और हीटर चल रहा है। टेबल इतना सुंदर है यहाँ पर और आराम से बाहर बहुत ठंड है। बाहर जाओगे इतनी सुंदर बालकनी है, चेयर्स है यहाँ पर, सुबह यहाँ पर भी कॉफी पी सकते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ का व्यू वाला एरिया है जो डाइनिंग टेबल के बाहर दरवाजा निकलता है, वो वाला एरिया है। व्यू इतना सुंदर है, फोटोज करवाई नहीं है, दी के साथ करवाई है, कभी डाल दूंगी यहाँ पे। ये ट्री के आगे इतना सुंदर व्यू है ना दोस्तों। चलो कल दिन में और करना, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। ये हमारा वॉशरूम है, दिखाऊंगी नहीं। ये मिरर है, यहाँ से सीधा जाते ही एक इस तरफ किचन है, पर वो स्टोरूम बना हुआ भी विंडो है। ये वाली वॉल तो बताओ कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है ना। यहाँ पे मैं फोटो करवा लूंगी, पता नहीं किस तरीके की बनी हुई है ये फ्रेम्स, थ्रेड वर्क हुआ है, बहुत सुंदर। ऊपर इतनी सुंदर जो है वो लाइटें चल रही है, जगमग जगमग हो रहा है। ये दीदा रूम है, ये थर्ड रूम है, ये थर्ड रूम है दी जीजू का। इधर वॉशरूम है, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों मेरे को तो कॉटेज इतना सुंदर लगा है, बहुत ज्यादा पसंद आया है। अंकल का कॉटेज इतना प्यारा है, जगह जगह जहाँ पर आप आंखें अपनी फेरो वहाँ आपको उसी जगह से जो प्यार हो जाता है। दो दिन के लिए रुक रहे हैं हम, पर मेरा मन है एक महीने के लिए रुके यहाँ पर। अंदर इतनी वॉर्म्थ है, अंदर कमरों में बहुत मजा आया है। मेलबर्न जाके पांडे कौन मान जाएगा? तुम मान लो पांडे, पुणे मैं नहीं मान लू, मेरी आदत तो छुट्टी है पांडे। 10 दिन रह गए, 10 दिन आशा आंटी को मेलबर्न ले जाते हैं। आशा आंटी फास्ट फास्ट मोड में सारे काम कर देती है, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा। कोई नहीं, तू मेरी आशा आंटी, तू भी मेरी अच्छी आशा आंटी है। नहीं मैं आशा आंटी बोंगो बोंगड़, तू है तू है बोंगी बोंगी, यू आर बोंगड़। असली नाम ले दूं क्या? तेरा ले रहे असली नाम, तू खुद ही है ही बोंगड़। दोस्तों बताओ मैंने क्या नाम बोला, वो हरमीत का नाम है, मैं देखती हूं। हां चल चल, अभी तेरा नाम ले दिया ना तो सारे कमेंट ही कमेंट आ जाएंगे। मेरा नाम तो इतना इजी है। हां चल ले, देखो मैं दोनों नाम बोल रही हूँ, दोस्त बताएंगे कि मेरा नाम क्या है। नहीं, कट कर दो। मेरा नाम है और हरमीत का नाम है, नहीं पता चलेगा। चल ये देखो यहाँ हो रहा है बारबेक्यू, ये रही हमारी बारबेक्यू क्वीन। तुम्हारा पनीर टिक्का क्या लेके जा रही है? पनीर टिक्का लेके जा रही है और मशरूम हो रहा है, मशरूम हो रहे हैं और वो भी हो रहे हैं, ब्रोकली ब्रोकली भी हो रही है। हाँ मजा आ रहा है। ये भैया हमारे बना रहे सचिन भैया, बहुत बहुत ही बढ़िया शेफ है। कमाल का बनाया था, कमाल का, कमाल कर दिया बारबेक्यू। ठंड के अंदर बारबेक्यू हो जाए तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। चलो चल मोए मोए, मसूरी पूरे मजे ले रहे ऐसे कर रहा था।
तो बस दोस्तों हम आज फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं और छोटा सा ब्लॉग बनाया, आई होप आपको अच्छा लगा। और जो लोग मसूरी से देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना और अपना ऐसे प्यार देते रहना। बस अब हम कल मिलेंगे यहीं पर मसूरी में ही नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में और ऐसे ही अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। की कर रहे यार, वीडियो चाहेगा। चलो 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 भाई, अब हम कर रहे डिनर। पधारो मारे देश में, बस एक ही खोलो बस, ज्यादा फील नहीं लेनी। हाँ चलो, तो एंट्री पे ही आ जाता है कोई। दरवाजा बंद कर लो। ये है एक कमरा, ये वाला एक रूम है। नहीं, मैं दिखाती हूँ।